नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे मेन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। यह आपका साप्ताहिक राशिफल रहेगा 8 से 14 अगस्त तक के लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको बता देते हैं, अगर आपके लग्न चार्ट में चंद्रमा 12 नंबर के साथ किसी भी भाव में स्थित है तो आपकी मेन राशि है। अगर आपकी मेन राशि है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। अब सबसे पहले ये जो गोचर है इसमें वो चंद्रमा का गोचर देखा जाएगा और चंद्रमा किस किस भाव में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चंद्रमा का ट्रांजिट होगा 8 अगस्त को, ये आपके राशि स्थान में ही होगा, यानी मीन राशि में होगा। मीन राशि में यहाँ पर चंद्रमा का ट्रांजिट होने से आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। आप दिमाग का इस्तेमाल कम करेंगे, जबकि अपनी इमोशनलिटी, अपनी भावनाओं के काबू में आप ज्यादा रहेंगे, यानी भावनाओं का पूरा पूरा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो आप किसी की छोटी सी बात का कहा गया आप बुरा मान जाएंगे, आप बात बात पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आप अपनी मैरिड लाइफ में कोई समस्या है उसको लेके इमोशनल हो जाएंगे, आप किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं तो थोड़े से इमोशनल नज़र आएंगे। इसके साथ ही आपको मन में थोड़ा सा विचारों का जो तूफान है वो ज़्यादा उठेगा, तो इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आप शिव चालीसा का पाठ करिए, आप अन्य कोई काम कर सकते हैं जैसे ओम का जप कर सकते हैं। तो इससे आपका जो माइंड है वो काफ़ी शांत रहेगा और आपको एकदम से सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो शुरुआत हो रही है आपके लिए इस सप्ताह में वो काफ़ी अच्छी होगी। आप खुद पर ध्यान देंगे और पिछले कुछ समय से जो हेल्थ की समस्या अगर चल रही थी तो वो अब दूर होगी और आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। आप माइंड में काफ़ी शांति का अनुभव करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति होने से आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी मैरिड लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके साथ ही कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर यूँ कहें कि अगर मैरिड लाइफ में कोई पहले से समस्या चली आ रही थी तो वो समस्या आपकी दूर होती चली जाएगी। तो शुरुआती दिन, ये शुरुआत का दिन काफ़ी अच्छा है, 8 अगस्त आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। खुद पर ध्यान देने का समय रहेगा, खुद की गलतियों को सुधारने का समय रहेगा और उसके बाद सोच समझकर आगे बढ़ने का समय आपके लिए ये रहेगा। तो कुल मिलाकर शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद 9, 10 और 11 को चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा, जो कि आपके राशि स्थान से दूसरे भाव में होगा। सेकंड हाउस में ये चंद्रमा का गोचर आपको धन संबंधी मामलों में सफलता दिलाएगा। जो भी इस समय में आप धन अर्जित करेंगे उसको आप सेव कर पाएंगे, बचत अच्छी कर लेंगे आप। इसके साथ ही अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है तो हो सकता है कि धन का कुछ नुकसान आपको अचानक हो जाए। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, कहीं से पैसा प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा, या यूं कहें कि पैतृक संपत्ति का कोई काम है तो वो आपका सक्सेसफुल होगा, उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने इन लॉज का अच्छा सपोर्ट रहेगा, इसके साथ ही उनके साथ आप इमोशनल रूप में भी जुड़े हुए रहेंगे, तो एक तरह से ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित हुआ तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि चोट दुर्घटना के चांसेस भी बनते हैं। इसके बाद की जो स्थिति रहेगी चंद्रमा की वो आपके लिए थर्ड हाउस में होगी। थर्ड हाउस में चंद्रमा आपके उच्च के हो जाएंगे और ये उच्च के चंद्रमा रहेंगे 12 और 13 अगस्त को। इस दौरान कोई छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि 9th हाउस पर रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपको अपने पड़ोसियों से और अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों को सुधारने का मौका देगी, तो आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं तो अच्छा करेंगे, किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, समय आपके पक्ष में रहेगा। चंद्रमा यहाँ से 9th हाउस को देख रहे हैं तो कोई लंबी दूरी की यात्रा के साथ ही आपको भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिससे कोई भी ऐसा काम कर लीजिए जिसमें आपको भाग्य की ज़रूरत हो या जो आपने भाग्य के भरोसे अभी तक छोड़ दिया हो, तो समय आपका पूरा पूरा साथ देगा। अब बाकी है आपकी मेहनत, आप कैसे मेहनत करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। चंद्रमा का जो एस्पेक्ट है 9th हाउस पर रहने से आप अपनी हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और हायर एजुकेशन में आपको अच्छी सफलता भी मिल जाएगी।
कोई धार्मिक यात्रा का चांस आपके आ सकता है, तो धार्मिक यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे एक तो आप फ्रेश हो जाएंगे, आपके मन को सुकून मिलेगा और काफ़ी अच्छी आपके लिए रहेगी, रिलैक्स आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय आपका कुल मिलाकर रहेगा, ये यहाँ पे जो 6 दिन का समय रहेगा, ये 6 दिन का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी, उसके बाद जो आने वाले 3 दिन हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे धन को लेके। उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं और भी काफ़ी सारे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होने के बाद अब वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे अंतिम दिन यानी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को चंद्रमा का ये मिथुन राशि में जो ट्रांजिट होगा, उस दौरान यहाँ से देखिए राहु से प्रभावित रहेंगे चंद्रमा, थोड़ा सा आपका मन है उसमें तूफान उठ सकता है विचारों का, उसको आप कंट्रोल करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं या ओम का जप आप कर सकते हैं जो आपको विशेष फलदायी रहेगा, या अन्य कोई मेडिटेशन का उपाय कर सकते हैं या अन्य कोई मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा भ्रमित करने वाला भी रहेगा प्रॉपर्टी का, हालांकि आपको फायदा हो सकता है, जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जॉब को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, आप अपने घर के मैटर को लेकर ज़्यादा सीरियस रहेंगे, घर के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, माता जी के साथ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा पर राहु का प्रभाव रहेगा, जिससे कई बार आपको मन में भ्रम उत्पन्न होगा और उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर काम है तो उसमें बहुत फायदा होगा, जो जातक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको नया जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे, और जो पहले से ही ऑलरेडी जॉब में है उनका प्रमोशन हो सकता है या कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है, अपने जॉब में कुछ चेंजेस आ सकता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में काम करते हैं तो आपका जो बॉस होगा वो आपको अच्छा सपोर्ट करेगा, तो ये जो वीक है आपका काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। इस समय अगर आप खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता अच्छी मिलेगी। कुल मिलाकर घर का जो माहौल, अभी तक घर पर कुछ समस्या चल रही थी या घर का माहौल शांतिपूर्ण नहीं था, अब वो शांतिपूर्ण होगा, तो एक तरह से घर में आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और परिवार में जो अगर झगड़ा वगैरह चल रहा था उससे आपको राहत मिलेगी और काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो जॉब में कुछ चेंज आ सकता है, कुछ चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में सबसे अच्छा समय आपका रहेगा 9, 10 और 11 को, 9, 10 और 11 को, क्योंकि धन के लिए अच्छा समय है। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो आप आने वाले समय के लिए अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, आप अपने कामों को पूरा करने के लिए धन का इस्तेमाल कर सकते हैं और समय आपका पूरा पूरा साथ देता हुआ यहाँ दिख रहा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, यानी चंद्रमा आपका किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो आपके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़े से रिजल्ट आपको यहाँ पर कम देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा जो सप्ताह होगा उसमें काफ़ी कुछ आपके साथ होगा, इसको आप अच्छे प्रकार से टेकल करेंगे तो अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। अब मेहनत करना आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर पाते हैं, आप कितना अचीव करने की कोशिश कर पाते हैं। इसके साथ ही देखिए सबसे अच्छा जो समय रहेगा आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जब अंतिम दिन चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एक कलाकार हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं नया, तो आपके लिए 12 और 13 अगस्त का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, फैमिली के साथ कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आपको धन लाभ हो, तो आपके लिए यहाँ पर जो समय रहेगा वो 9, 10 और 11 अगस्त वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद पर ध्यान देना चाहते हैं तो शुरुआत में ही जो 8 अगस्त को दिन होगा वो आपके लिए विशेष रहेगा। तो ये जो सप्ताह होगा इसमें आपके पास काफ़ी पैसा आएगा, फैमिली को राहत मिलेगी, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा था उससे राहत मिलेगी, और ये ओवरऑल जो वीक रहेगा वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। आप अपने क्रिएटिव वर्क से कुछ लाभ प्राप्त कर सकेंगे, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं हो जाएंगी जो आपको अच्छा सुकून दे पाएंगी। अब ये जो सारे रिजल्ट हैं वो उन्हीं लोगों की कुंडली में ज़्यादा अप्लाई होंगे जिनके कुंडली थोड़ी स्ट्रांग है और चंद्रमा की पोजिशन काफ़ी अच्छी है, यानी चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह के साथ नहीं है, या फिर चंद्रमा पर राहु, केतु या फिर शनि मंगल जैसे ग्रहों की स्थिति यानी दृष्टि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो वीक रहेगा वो धन संबंधी मामलों को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा,
और जब आपके पास धन होगा तो आप अपना कोई भी काम है वो इजीली कर पाएंगे। तो इस वीक का आप एंजॉय कर सकते हैं। इस वीक में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा मानसिक परेशानी हो सकती है अंतिम दिन। तो आप कम से कम आप यहाँ पे 5-6 दिन को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए शुभ अंक और रंग की। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 2 और आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा ब्लू यानी नीला। तो फिलहाल बस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।